अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलो आज थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं, बट इमेजेस एकदम ब्लैक आ रहा है। मैंने अपर्चर भी मैक्सिमम कर दिया, शटर स्पीड भी 1/50 कर दिया। अगर 1/50 के नीचे जाते हैं तो मेरा हैंड शेक हो जाएगा, बट इमेजेस में ब्राइटनेस ही नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या करूं? ISO को बढ़ाओ। और रुको, ISO बढ़ाता हूँ। ओ वाओ, फोटो बहुत अच्छा आ गया, इमेजेस कैप्चर हो गया। तो हाय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फोटोग्राफी एक्सपोजर ट्रायंगल के तीसरे पिलर ISO के बारे में जानेंगे। अगर आपको परफेक्ट फोटोग्राफी करना है तो आपको फोटोग्राफी एक्सपोजर ट्रायंगल के तीन पिलर को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, जैसे शटर स्पीड, अपर्चर, ISO। शटर स्पीड अपर्चर का वीडियो मेरे इस चैनल में आपको मिल जाएगा, तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसको काइंडली एक बार जाके देख लीजिए। हम लोग वीडियो में जानेंगे ISO किसे कहते हैं, फोटोग्राफी में ISO का काम क्या है। What is ISO? In digital photography, ISO measures the sensitivity of the image sensor. ISO किसे कहते हैं? अगर आप पुराने फिल्म देखे होंगे तो उस फिल्म में एक नंबर लिखा होता था, जैसे 100, 200, 400, उस नंबर से हमें पता चलता था कि फिल्म के लाइट के प्रति कितनी सेंसिटिविटी है। अभी डिजिटल कैमरा में ISO सेंसर में होता है और ISO को कंट्रोल कैमरे से किया जा सकता है। कैमरा सेंसर की लाइट की सेंसिटिविटी आप ISO को कम और ज़्यादा करके कर सकते हैं। हर कैमरे का ISO रेंज डिफरेंट होता है, हर कैमरे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कैमरे में ISO रेंज कितना है। जो नेटिव ISO होता है किसी कैमरे में 50 होता है, किसी कैमरे में 100 होता है। जो नॉर्मल आपको बेसिक कैमरा मिलेगा उस कैमरे में आपको 100 ISO देखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, हर कैमरे का ISO रेंज डिफरेंट होता है, जैसे 100 to 6400, 100 to 12800, 100 to 25600, 100 to 51200। और किसी किसी कैमरे में ऐसा भी है कि आपका ISO रेंज 1 लाख के ऊपर भी दिया हुआ है। तो डिपेंड करता है कैमरे के ऊपर कि कितना आपको ISO रेंज मिलता है। आप जितना ISO रेंज ज़्यादा करते हैं, कैमरा की सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, जिससे आपका इमेज में ब्राइटनेस या लाइट ज़्यादा आ जाता है। ISO का फोटोग्राफी में काम क्या है? जैसे कि हर कैमरा में एक नेटिव ISO दिया होता है, और जैसे आप ISO को इंक्रीज करते हैं तो इमेजेस में ब्राइटनेस या लाइट बढ़ जाता है। बट उसका एक नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी ये है, जब आप ISO को बढ़ाते हैं तो सेंसर की सेंसिटिविटी भी बढ़ता है, मतलब आर्टिफिशियल लाइट बढ़ता है, जिसके कारण आपके इमेजेस में ग्रेन्स आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब नॉइज आना स्टार्ट हो जाता है, उसके कारण आपका इमेजेस का क्वालिटी खराब हो जाता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि ISO को इंक्रीज क्यों किया जाए। मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है जहाँ फोटोग्राफ करने निकले हैं और वहाँ लाइट बहुत ही ज़्यादा कम है, बट आपको उस मोमेंट का पिक्चर लेना ही होगा। आपके पास जो लेंस है उसका मैक्सिमम अपर्चर है f2.8, और आप जो सेटिंग रखे हुए हैं अपर्चर f2.8 और अपने शटर को रखे हुए हैं 1/50। 1/50 के नीचे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका हैंड शेक हो जाएगा, और f2.8 के नीचे तो आप जा ही नहीं सकते। तो उस समय आप क्या करेंगे, जब फोटो क्लिक कर रहे हैं तो आपका फोटो उस समय डल हो रहा है, पर डल एकदम दिखाई, क्योंकि उस समय लाइट बहुत ही कम आपको नज़र आ रहा है। तो उस समय आप क्या कीजिएगा? तो उस समय आपको एक ही ऑप्शन है, आपको ISO को इंक्रीज करेंगे। तो ISO को आप 1 stop या 2 stop या 3 stop आप इंक्रीज करके आप अपने इमेजेस में थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं या लाइट ला सकते हैं। 1 stop का मतलब ये होता है 100 to 200 1 stop, 200 to 400 2 stop, और 400 to 800 3 stop। तो इस तरह का स्टॉप बढ़ता है। ISO को एज ए क्रिएटिविटी आप यूज
यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं जो अपने इमेजेस में आईएसओ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण इमेजेस में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आ जाता है। तो कुछ कुछ ऐसा इमेजेस आपको दिखने को मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है, बट वो बहुत क्रिएटिविटी ऐसा दिखाई पड़ता है हम लोग को। तो आशा करता हूँ आपको आईएसओ का ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसके कारण आपको हमेशा हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। क्योंकि मैं हमेशा अपने इस चैनल में टीचिंग रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।